हरि ओम। मैं अंबज्ञ हूँ। मेरा नाम भवदीप सिंह पंड्या है। मैं बापू परिवार से 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं म्यूजिशियन हूँ यानी ड्रमर। मैं फाल्गुनी वीरा पाठक के साथ पिछले 18 सालों से ग्रुप में बजा रहा हूँ। आज मैं आपको मेरी बहन को आया हुआ एक अनुभव बता रहा हूँ। मेरी बहन जो बापू परिवार में उपासना के लिए नहीं आती, गुरुवार को प्रवचन में भी नहीं आती, क्योंकि मेरे जो जीजा जी है वो बापू को नहीं मानते। गुरुवार को हमें जो बापू बताते हैं वो हमें, मैं मेरी बहन को बताता हूँ, यानी जो भी अच्छे चीज़ें हैं जैसे कि उपासना, कुछ मंत्र वगैरह। 2012 में दत्त जयंती के दिन बापू ने मातृवत्सल्य उपनिषद यह ग्रंथ हमें दिया। उसके बाद मैंने और मेरी मम्मी ने तय किया कि ये हम बहन को देते हैं गिफ्ट के रूप में, तो हमें उन्हें खरीद के गिफ्ट के रूप में दिया। उसके बाद वो पढ़ने लगी। 2013 3 जनवरी को बापू ने एक प्रवचन किया था। उसमें बापू ने 5 कलमें बताई थी। उसके पहले दिल्ली का रेप कांड हुआ था तो सभी लोग डरे हुए थे, यानी सभी लेडीज़। तो हमारे बापू परिवार में भी कई लेडीज़ आती हैं, वो लोग भी रात को लेट घर के जाती है। तो कई लोगों ने बापू को लेटर लिखा था और बताया था कि बापू ऐसा हो गया तो कैसे चलेगा, हम लोग कैसे बाहर जावे। तो 3 जनवरी को 2013 में जो बापू ने प्रवचन बताया किया, उनमें बापू ने ऐसा बताया कि मैं आज आपको 5 कलमें देता हूँ। उसमें से तीसरी कलम ऐसी थी कि अगर आपको डर लगे तो मातृवात्सल्य उपनिषद में से 20 और 21वां अध्याय है उसका पठन करें तो तुरंत ही आपको फायदा होगा। तो ये प्रवचन मैं सुन के आया और दूसरे या तीसरे दिन मैंने मेरी बहन को बताया कि तेरे घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो तू ये 2 अध्याय का पठन कर तो तुझे इससे अच्छा होगा। मेरी बहन ने कई सालों पहले उनके बाजू में जो रूम थी वो ली हुई थी। वो रूम लेने के बाद उनके घर में काफ़ी अशांति फैल गई, यानी उनकी सासू की डेथ हो गई, उनके ससुर जी वो 2 साल के बाद बीमार हो गए और लंबी बीमारी तक रहे, यहाँ तक कि उनके बच्चों को वो रूम में नींद भी नहीं आती थी। और कभी कभी उस रूम, वो जो रूम थी वो कोई सुजाता नाम की थी, वो वहाँ पे नहीं मरी थी, वो कहीं पे उनके गांव में मरी थी, बट वो कभी कभी मेरे बहन के सपनों में आती थी और कहती थी कि तू ये रूम छोड़ दे, ये मेरी रूम है, तू यहाँ से चली जा। तो ये सब बातें हमको पता थी क्योंकि वो कभी कभी आके बताया करती थी। तो इसीलिए हमने ये जो उपनिषद आया, बापू ने हमें जो बताया तीसरी कलम, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पठन करेगी मेरी बहन तो इससे सब कुछ ठीक होगा। तो उसने पढ़ना चालू किया। दूसरे या तीसरे दिन मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि ये पढ़ने से मुझे डर लगने लगा है। वो जो बहन है वो रात को मेरे सपने में आके मेरे ऊपर बैठ जाती है और मेरे को कहती है तू ये रूम छोड़ दे, यहाँ से चली जा। धीरे धीरे वो दिन को भी दिखने लगी। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, ये बापू ने ही सोचाया होगा। मैंने उसे कहा एक काम कर, ये जो 3 अध्याय है वो तू दिन में 3 बार पठन कर, यानी सुबह को भी, दोपहर को भी और शाम को भी। तो उसने ऐसा करना चालू किया। तो 2 दिन के बाद उनका सामने से मुझे फ़ोन आया और मुझे बताया कि वो जो सुजाता नाम की जो लेडी थी वो मेरे सपनों में आई, मुझे नमस्कार किया और पैर पड़ने के बाद चली गई और मुझे कहती गई कि अभी मैं जा रही हूँ। उसके बाद मेरी बहन के घर में काफ़ी शांति हो गई। अभी 4 दिन पहले ही मेरे घर पे मेरी बहन आई थी तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो प्रसंग घड़ा उसके बाद में आपके घर में कैसा है, तो उन्होंने बोला काफ़ी शांति है, वो रूम में सबको अभी नींद भी आती है,
कोई टेंशन नहीं है, पहले जितना टेंशन था यानी मन शांति नहीं थी वो सब अभी, यानी बापू ये सब बापू ही करने वाला है। हम लोग बापू के पास आते हैं तो बापू हमें छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं और हम उसको मंत्र का पठन करते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, कहीं पे भी रहे हम, पर बापू हमारे साथ में ही होता है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी किया है वो बापू ने ही किया है। एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। हरिओम, मैं अंबज्ञ हूँ। मैं शिव गंगा गौरी नामावली का आपको एक ऐसा ही दूसरा अनुभव बताता हूँ। जामनगर में मेरी मौसी रहती है, उसका लड़के के घर लड़का हुआ तो 6 दिन के बाद उनका नामकरण करते हैं, तो सभी रिलेटिव्स को बुलाए हुए थे। तो शाम को एक कार्यक्रम था, तो एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद में सब चले गए, पर उसके बाद में जो मेरे भाई की वाइफ थी वो पागल जैसी हो गई, यानी अपने बाल नोचने लगी, रोने लगी, कहीं पे घर के बाहर दौड़ के जाती थी, ऐसा यानी करने लगी, यानी हम लोग कहते हैं ना कि करनी या मंत्र तंत्र किसी ने कुछ तो किया था ऐसा प्रकार। उसके बाद उसको जोरों का बुखार आ गया तो घर वाले उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में 2 दिन उनको एडमिट किया था। तो शाम होते ही ये सब होने लगता है, तो हॉस्पिटल वाले ने बताया कि ये यहाँ पे ठीक नहीं होगी, इसको आप घर पे लेके जाओ और दूसरा कुछ इलाज करो। तो 2 या 3 दिन के बाद मेरे मौसी का मेरे मम्मी पे फ़ोन आया। हम लोग रात को खाना खा के बैठे थे, जस्ट 10 बजे का टाइम था, तो मेरे मम्मी ने काफ़ी बात की, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा मम्मी से कि क्या हुआ, किसका फ़ोन है, तो उन्होंने बताया मौसी का फ़ोन है, ऐसे ऐसी बात है। तो मैंने थोड़ी देर के बाद तुरंत मेरे मौसी के लड़के को फ़ोन यहाँ से किया और मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि बापू ने हमें बताया है कि शिव गंगा गौरी स्तोत्र के कितने फ़ायदे हैं। तो मैंने तुरंत ही उसको बोला कि तेरे पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन है क्या, तो उसने बोला नहीं है। तो मैंने बोला मैं यहाँ से ईमेल करता हूँ, वो ईमेल तेरे को तुरंत मिल जाएगा। तो उसने बोला यहाँ पे साइबर कैफ़े भी बंद हो जाते रात को, तो अभी क्या किया जाए। तो बापू ने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली होगी। मैंने उसको बताया कि आपके पास जो फ़ोन है उसका स्पीकर ऑन करो और मैं यहाँ से शिव गंगा गौरी नामावली का पठन करता हूँ और आप उसको दूसरा फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ से फ़ोन में श्री शिव गंगा गौरी नामावली का पठन किया, उन्होंने वहाँ पे स्पीकर ऑन करके दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में मैंने बोला ये जो रिकॉर्डिंग है वो आप उनको रात को सुनाओ, उससे ही सब कुछ ठीक होगा, बापू कृपा से सब ठीक होगा। उन्होंने उसी दिन रात को वो जो रिकॉर्डिंग है वो उनके वाइफ को सुनाया। उसी रात को वाइफ के सपनों में बापू आया। मेरे मौसी का लड़का है, उन्हें मैंने एक बुक दे के रखी थी जो यहाँ पे आराधना ज्योति वाली बुक है पिंक कलर की, उसके पिछले पन्ने पे बापू का आँख बन करके ऐसा फ़ोटो है और 5 गुरु है आजू बाजू में। वही बापू का फ़ोटो उन्होंने एक बार देखा था तो वो उनके सपनों में आया और बापू ने उनको बताया तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तुला काहे नहीं हो रहा, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, बापू ने ऐसा आशीर्वाद दिया। और दूसरे दिन सुबह सब कुछ ठीक हो गया था, सब नॉर्मल हो गया था, वो नॉर्मल तरह से काम करने लगी और उनका फ़ोन नहीं आया। तो मैंने सामने से दोपहर को उनको फ़ोन किया था कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हितेश भाई सब कुछ ठीक हो गया है, 99% सब कुछ ठीक हो गया है, एक भी दवा के बिना। वो जो लेडी को ये जो अनुभव आया उसने तो बापू को देखा भी नहीं है और वो तो बापू का कुछ भी नहीं करती थी, फिर भी उसे बापू ने रक्षा कवच दिया और बताया। तो मेरा बापू ऐसा है जो भी उसको प्रेम से पुकारता है वो वहाँ दौड़ा चला जाता है। एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। मैं अंबग्ने हूँ। हरिओम।